right now and press the bell icon. तेलंगाना में रेप कांड के चारों आरोपियों को शुक्रवार को 3 बजे एनकाउंटर कर दिया गया। इन चारों आरोपियों पर महिला वेटरनरी डॉक्टर के साथ रेप का आरोप था। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में सभी आरोपी मारे गए हैं। इस खबर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई है और बॉलीवुड से लेकर अन्य क्षेत्रों के मशहूर हस्तियां इसको लेकर अपनी राय दे रही हैं। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी हैदराबाद गैंगरेप कांड के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर ट्वीट किया है और अनुपम खेर ने इसे लेकर अपना रिएक्शन दिया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर को ट्वीट करते हुए लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जय हिंद टू तेलंगाना पुलिस फॉर शूटिंग डाउन द 4 रेपिस्ट। चलो अब जितने भी लोगों ने ऐसे घिनौने अपराध करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी और उनके लिए खतरनाक से खतरनाक सजा चाही थी, मेरे साथ जोर से बोलो जय हो। मैं आपको बता दूं कि ये चार आरोपी जिनकी उम्र 20 से 26 साल के बीच में थी, 28 नवंबर को महिला डॉक्टर को टोल बूथ पर स्कूटी पार्क करते हुए देखा था। आरोप है कि इन लोगों ने जानबूझकर उसकी स्कूटी पंचर की थी। इसके बाद मदद करने के बहाने उसको एक सुनसान जगह पर ले गए और गैंगरेप किया और बाद में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना पर देश भर के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और बुधवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अगर आपको बॉलीवुड की और बड़ी खबरें जाननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।